बंदर ने लिया उग्र रूप और खूनी बाघ। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर अपने बेटे सिम्बा और शेरनी के साथ रहता था। शेर का परिवार बाकी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था। जंगल के जानवर भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। उसे जंगल का कानून था कि कोई भी जानवर बच्चों या मादा जानवर पर हमला नहीं करेगा। सारे राजा शेर के हुक्म का पालन करते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन बंदर घायल हालत में मदद के लिए चिल्ला रहा था। कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। बंदर की आवाज सुन पास से गुजर रहा लकड़बग्गा बंदर को देखकर अपने मन में सोचता है, अरे वाह, सुबह से शिकार ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। मैं इस बंदर का शिकार करके अपनी भूख मिटा लूंगा। यूँ सोचकर जैसे ही लकड़बग्गा बंदर पर हमला करने ही वाला था कि शेर वहाँ आता है और लकड़बग्गे को रोक लेता है। अरे ओ लकड़बग्गे, रुक जाओ, वो मुसीबत में है, तुम उसका शिकार नहीं कर सकते। अरे पर महाराज, परवर कुछ नहीं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता वो घायल है? जाओ जाकर जल्दी से उल्लू वैद को लेकर आओ। लकड़बग्गा उल्लू वैद को ले आता है। उल्लू वैद बंदर को कुछ जड़ी बूटियां देता है जिसे खाकर बंदर की हालत में सुधार आता है और वो शेर से कहता है, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान एक ना एक दिन जरूर चुकाऊंगा। ये तो राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य था, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। यूँ वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि अचानक एक दिन कहीं दूर जंगल से एक खूनी बाघ जंगल में आ जाता है। वो बहुत ही निर्दयी और जालिम था। उसके पास कुछ शैतानी शक्तियाँ थी जिनसे वो जंगल में तबाही मचा रहा था। वो ना ही बच्चों पर रहम कर रहा था और ना ही मादा जानवरों पर। उसे जो जानवर मिलता वो उसका शिकार करता या फिर उसे अपना गुलाम बना लेता था। जंगल में दहशत मच गई थी। जंगल के सारे जानवर शेर के पास जाते हैं। महाराज हमारी रक्षा कीजिए, जंगल में एक शैतानी बाघ आया है जो बड़ा ही बेरहम है, उसने मेरे पूरे परिवार का शिकार कर दिया। यूँ वहाँ आए सारे जानवर किसी ना किसी अपने को खोकर परेशान थे और वो रो रहे थे। जानवरों को परेशान देख शेर और शेरनी की आँखों में भी आंसू आ जाते हैं। तब शेर कहता है, उस बाघ की ये मजाल कि वो मेरी प्रजा का शिकार करे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम सब शेरनी के साथ यही रहो। ये कहकर शेर निकलने ही वाला था कि सिम्बा कहता है, पिताजी मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं बेटा, तुम अपनी माँ के साथ यही रहना और इन सब की देखभाल करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये कहकर शेर बाघ को ढूंढते हुए निकलता है। बहुत दूर जाने के बाद शेर की नजर पड़ती है, बाघ सुअर का शिकार कर खा रहा था। ये देख शेर जोर से धार मारते हुए बाघ के पास जाता है। अरे ओ खूनी दरिंदे, तेरी ये मजाल कि तू मेरी ही मासूम प्रजा पर जुल्म कर रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुन बाघ जोर जोर से हंसता है और कहता है, अरे तू क्या मुझे मारेगा, मैं खुद तुझे मार कर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। यूँ दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। बाघ अपनी शैतानी शक्तियों से शेर को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है और उसे दूर खाई में गिरा देता है। शेर खाई में गिरकर झाड़ियों में फंस जाता है और अधमरे हालत में मदद के लिए चिल्लाता है कि तभी पास में बैठा बंदर शेर को देख लेता है। ये वही बंदर था जिसे शेर ने बचाया था। बंदर शेर के पास जाता है। हे भगवान, मेरे जंगल की रक्षा करना, वो खूनी बाघ उन्हें मार डालेगा। शेर राजा, तुम एक अच्छे राजा हो, तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा अपनी प्रजा की चिंता है। तुम जैसे अच्छे राजा का कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। उस खूनी बाघ ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, अब उसका अंत आ चुका है। पर मैं कैसे उसका सामना करूं? मेरी हालत तो खराब है, उसके पास कई सारी जादुई शक्तियां है। मैं एक जादुई बंदर हूँ, अपनी जादुई शक्तियों से उस बाघ का अंत कर दूंगा। ये कहकर बंदर अपनी जादुई शक्तियों से शेर को ठीक कर देता है। शेर और बंदर बाघ के पास जाते हैं।
इधर बाघ शेरनी और बाकी जानवरों के पास जाता है। तो तुम सब यहाँ छुपे बैठे हो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारा राजा तो कब का मर गया, अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। ये सुनकर सारे जानवर परेशान हो जाते हैं। शेरनी तो जोर से दहाड़ मारते हुए बाघ पर हमला करती है। बाघ अपनी शक्तियों से शेरनी को अधमरी कर देता है। ये देख सिम्बा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हमला करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिम्बा की बातें सुनकर बाघ जोर जोर से हंसने लगता है और जैसे ही वो सिम्बा पर हमला करने वाला था, शेर और बंदर वहाँ पहुँच जाते हैं। बाघ शेर को जिंदा देख चौंक जाता है। तुम मरे नहीं, चलो कोई बात नहीं, सारे परिवार को एक साथ ऊपर भेज देता हूँ अभी मैं। बाघ जैसे ही शेर के परिवार पर हमला करने वाला था कि बंदर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एक उग्र रूप में बदल जाता है, जिसे देख बाघ और बाकी के जानवर घबरा जाते हैं। बंदर अपनी शक्तियों से बाघ पर हमला करता है। बाघ की शक्तियां बंदर की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाती है और बाघ मर जाता है। बंदर फिर से अपनी असली रूप में आता है और शेरनी को ठीक कर देता है। शेर शेरनी और बाकी के जानवर बंदर का धन्यवाद करते हैं और फिर से जंगल में खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं।